देखिए दोस्तों अब हम लोग ना नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा दोस्त फॉर आइडोफॉर्म है। क्या है दोस्त हमारा? फॉर आइडोफॉर्म, मतलब हमको आइडोफॉर्म से क्या बनाना है? हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग आइडोफॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्त, अगर मेरे पास कार्बन होता तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड? चार बॉन्ड। अगर चारों बॉन्ड में से तीन तो बॉन्ड के पास हेलोजन रहता और चौथा बॉन्ड के पास हाइड्रोजन रहता तो इसको हेलो फॉर्म बोलते। क्या बोलते दोस्त? हेलो फॉर्म। अब मान ये तीनों हेलोजन को हटा दिए और यहाँ पर तीन तो क्लोरो ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए दोस्त? क्लोरो ग्रुप। तो इसको बोलते हैं क्लोरो फॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरो फॉर्म। अगर यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगाएंगे तो ब्रोमो फॉर्म। आयोडो ग्रुप लग जाएगा तो आयोडो फॉर्म। तो आयोडो फॉर्म का फॉर्मूला जाएगा CH3। क्या जाएगा? CH3। अब क्लोरो फॉर्म का CHCl3। अब क्लोरो फॉर्म का CHF3। यहाँ पर देखिए हमको आयोडो फॉर्म बनाना है। आयोडो फॉर्म जो क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आयोडो फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो तीन कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं दोस्त? एसीटोन। यहाँ पर एसीटोन लिख दिए और रिएजेंट के रूप में आइडोफॉर्म रिएक्शन कराना है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए जो रिएजेंट चाहिए ना, उस रिएजेंट का नाम है आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्त? आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर फोकस किधर? यहाँ पे देखिए हमको मिथाइल कीटो ग्रुप खोजना था। क्या खोजना था? मिथाइल कीटो ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के दिल को तोड़ दिए। ठीक, तो जो मिथाइल बचा ना, उस मिथाइल से सबसे पहले आप आइडोफॉर्म बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आइडोफॉर्म। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म बना दिए। अब बचा हुआ कीटो ग्रुप है, तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन को हटाएं और वहाँ पर लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब कीटोन के बगल में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड टूटी क्या देता है? H+। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो हमारा एसिड है और रिएजेंट के रूप में OH हमारा क्या है? बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाता है? वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये सोडियम बचा तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है, उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया? सोडियम। कौन आ गया दोस्त? सोडियम। अब देखिए आप रिएजेंट NaOH था तो NaOH ले लिए। फिर देखिए सोडियम के थोड़ा सा आता है चार फॉर्म समझे। यहाँ पे सोडियम फिर आयोडीन से रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड बन जाता है। मेरा प्रोडक्ट बन गया इस तरह, समझे? हमको यही चाहिए परीक्षा में, आप कम से कम ये बनाइए खत्म। ठीक, मतलब बैलेंस बैलेंस गोली मारिए जितना बताते दिमाग गया बात। अब देखिए मामला, हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है हमको? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम मेटल है, अब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। जब कभी भी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो क्या बोलते हैं? सॉल्ट। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है, सोडियम मेटल है, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये भी हमारा सॉल्ट कहलाएगा। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते थे, एने का नाम क्या हो गया? सोडियम। यहाँ पर लिख दिए सोडियम और दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते। क्या बोलते? एसिड। और दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में एट बोलते। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम एसिड और इसका नाम हो गया आयोडोफॉर्म। क्या हो गया नाम दोस्त? आयोडोफॉर्म। अब देखिए सोडियम एसिटेट फिर है ना, HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है। किसके साथ? HCl के साथ। जहाँ पर हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर प्लस चार्ज, क्लोरीन नॉन मेटल है तो क्लोरीन के मुंडी पर माइनस चार्ज। अब बताइए सोडियम मेटल है तो सोडियम के मुंडी पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन नॉन मेटल तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद था, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल के? NaCl। अब यह मिथाइल कीटो ग्रुप था, यहाँ पर मिथाइल लिख गया। मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे? कीटो ग्रुप। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिए।
फिर ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त एसिटिक एसिड, और दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को यौगिक नेम क्या होते हैं, एथनोइक एसिड। तो रिएजेंट के रूप में यहाँ पे HCl है तो HCl निकाल दिए, यहाँ सोडियम था तो यहाँ पे सोडियम निकाल दिए। तो बोलिए जब एसीटोन का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोफॉर्म के साथ, हाइड्रोफॉर्म के साथ सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट। फिर बने हुए सोडियम एसीटेट का रिएक्शन बने हुए सोडियम एसीटेट का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। इस तरह दोस्त फुल एचडी में एसीटोन की मदद से क्या बना लिए एसिटिक एसिड। सबसे पहले हमको एसीटोन से क्या बनाना पड़ेगा, हाइड्रोफॉर्म और सोडियम एसिटेट। हमको लगा था कि हाइड्रोफॉर्म से रिएक्शन बनेगा, हाइड्रोफॉर्म के साथ जो प्रोडक्ट बना उससे रिएक्ट करके फिर एसिड बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। सो इस समय हाइड्रोफॉर्म का रिएक्शन क्या हो गया फुल एचडी में।